एकदम जो ये दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर, यहाँ बाबा सिद्दीकी जी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म MLA रह चुके हैं, जिनके पास वाई सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। आज अगर एक सुरक्षित इंसान जो खुद एक नोन पर्सनैलिटी है, सोशल वर्कर रहे हैं, जिनके साथ वाइस कैटेगरी की सिक्योरिटी घूमती है, अगर उनके साथ इस तरीके की हत्या होती है तो प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि आज आम जनता अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती होगी। आज जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो 15 दिन पहले उन्होंने कहा था, उनको धमकियां आ रही हैं, तो क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर राज्य का नहीं है? वजह बस एक है, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र को इतना लूटने में लगे हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो सुरक्षा महाराष्ट्र को दे नहीं पा रहे हैं, महाराष्ट्र वासियों को नहीं दे पा रहे हैं। और हर दिन जो इलेक्शन पोस्टपोन हो रहा है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, मैं मानती हूं कहीं ना कहीं उसमें भी ये पूरे कांड में हाथ है। दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं उनके परिवार को अपना शोक जताना चाहूंगी। जीशान खुद एक MLA हैं और मैं उम्मीद करूंगी कि महाराष्ट्र में इस तरीके की सरकार जो ना जनता के हित में काम करती हो, ना जनहित की हो, जन नीतियों के हिसाब से बनी हो, या जन विश्वास को लेकर बनी हो, उस सरकार को बिल्कुल नैतिक धर्म नहीं है एक दिन और सरकार में बने रहने का।